अभी तू इसको डेट पे लेके जाएगा। तो फिर अभी ये डेट पे ले जाने वाली चीज है। तो फिर क्या चीज है? ला बता दो। मेरी मैगजीन। अबे पागल क्या किया तूने? देख अबे 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 देख लिया उसने। नहीं 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 अबे मेरी मैगजीन देख ली तूने? कौन है? किसने फेंकी है मैगजीन? मेरी मैगजीन अबे भैया मारा लेके मुझे। एक काम करे वो ऊपर आएगी ना तो उससे मांग लेना। अबे चल यार सुन ना। अबे अबे सामने आओ, छुप क्यों रहे हो? मैडम क्या हुआ? ये क्या है? ये मैगजीन ऊपर से फेंकी गई, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऊपर लड़के लोग खेल रहे थे मैडम। कौन है? सामने आओ स्टूपिड। नॉनसेंस, छुप क्यों रहे हो? सामने आओ। क्या हुआ नमू? मैम देखो ना, मेरे ऊपर किसी ने मैगजीन फेंकी ऊपर से। स्टूपिड, व्हाट नॉनसेंस। कौन है? सामने आ जाओ। क्या हुआ नमिता जी? आप शायद इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हो ना? जी हाँ। ये सब होता है, देखिए ये मैगजीन अभी किसी ने ऊपर से मेरी बेटी के ऊपर फेंकी है। किस किस्म के लोग रहते हैं यहाँ पर? मगर देखा किसने? इसी कॉलोनी के लड़के हैं। I mean, what kind of people stay here? हाँ? उनके पेरेंट्स उन्हें ये सिखाते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी अगर किसी ने फेंका होगा वो तो ऊपर नहीं है, भाग गए होंगे। आप अभी अभी काम से आएंगे, आप लोग घर पे जाइए, मैं देखता हूँ कौन है। जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिएगा। प्लीज जाइए जाइए। मेरे भैया की मैगजीन थी, अगर किसी को पता चला ना तो मैं फंस जाऊंगा पक्का। अबे यार तू टेंशन क्यों लेता है? अबे तेरा भाई खुद परेशान होगा कि कहीं मैगजीन पापा के हाथ तो नहीं लगे, समझ आया? मैं कुछ नहीं जानता, तू जाके लेके आया बस। अबे यार इसको कौन समझाएगा यार? सालो अगर आज पकड़े जाते थे ना तो कसम से लगने वाली थी अपनी बात। वैसे भी डरता कौन है? अच्छा साले डरता नहीं है तो भाग के क्यों आया? वो तो ऐसे ही, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को वही मैगजीन के साथ पकड़े, क्या मजा आएगा यार। अरे पागल है तू, मरवाएगा हमको। मैं नहीं लेने वाला मैगजीन कभी। अबे यार अबे अबे एरोस्टिस आ गई। अबे चुप। अबे साले मरवाएगा तू हमको कमीने। पागल हुई है क्या? गिर जाता मैं अभी। अपना टिफिन पकड़ चल। देखो मालूम है ना मैं नहीं खाता हूँ, तू ही रख। तो बनवाता क्यों है? मैं माँ से शिकायत कर दूंगी तेरी। कर देना, मम्मी को बोलो तो चिल्लाती हैं। और नहीं खाओ तो उनको लगता है मैं दुबला हो गया एक दिन में। चलना और दुबला। Excuse me. तुम इसी कॉलोनी में रहते हो? जी। कल तुम टेरेस पे थे ना? टेरेस पे? नहीं जी, मैं कल टेरेस पे नहीं था। शाम को तुम टेरेस पे थे? नहीं जी, मैं तो कल टेरेस पे गया ही नहीं। Are you sure? Yes. पर तू तो कल शाम को टेरेस पे था ना? चुप रहना, नहीं था मैं टेरेस पे। बैठे हो क्या? अबे कहाँ था सुबह से, क्या कर रहा था? वो आ गया सूरज। और जब पता चलेगा ना तो पागल हो जाएगा। अबे वैसे ही सुबह से पागल हुआ पड़ा हूँ यार। क्यों बे, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? अबे सुबह बहन के साथ स्कूल जा रहा था, सामने से आ गई और मेरे को घूरने लगी यार। कौन? अबे वही है रोसेस यार। अबे तो बताया क्यों नहीं कि मैगजीन इसने फेंकी थी? पागल हो गया क्या? मरवाएगा ये? पागल मैं नहीं हुआ हूँ, पर तू ये देखेगा तो जरूर पागल हो जाएगा। कोई ऐसी वैसी फोटो तो वगैरह तो नहीं लाया ना? देखना यार, फिर अगर नहीं पसंद आई तो डिलीट कर देना। चलो भेज रहा हूँ। भेजना। भेज दी। अबे यार ये तो एयर होस्टेस की पिक्चर्स है। मस्त है यार, कड़क लग रही है यार। अबे अबे अपनी कॉलोनी की लड़की है यार, ऐसी वैसी फोटो क्यों खींचता है? उसकी चिंता तू मत कर, और तुम लोगों को देखना अच्छा लगता है ना इसलिए खींची है। ओ सही है बॉस, सही है। क्या सही है?
मैं बोल रहा हूँ कसम से, ये सबको एक दिन मरवाएगा। अबे पागल है तू, चल यहाँ से चल। अबे यार फट्टू के फट्टू ही रहोगे तुम लोग। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, बिल्डिंग के पीछे वाले ग्राउंड में चलते हैं। हाँ ये ले। यार नेक्स्ट वीक से नहीं आ पाऊंगा, पेपर आ रहा है। क्यों भाई ऐसा क्या है? अबे एग्जाम्स आ रहे बोला ना। हाँ यार एग्जाम्स की बहुत टेंशन है। क्या यार तुम लोग को एग्जाम की टेंशन है, कसम से पेपर का जुगाड़ करना है तो बोलो, पहचान है मेरी बहुत। चल बे ज्यादा फेक मत। अबे फेक नहीं रहा, फेक ही तो रहा है। अगर पेपर का जुगाड़ होता तो तू टेंथ फेल नहीं होता। ले पकड़। मैं फेल हो गया वो छोड़, तू कौन सा पास होके आइंस्टाइन बन गया? ला इधर। एक काम कर, बॉल दे यार जल्दी बॉल। ले पास पकड़। आइंस्टाइन हाँ, अब देख आइंस्टाइन वाली करामत। जा अभिषेक ले। क्या पागल है क्या, वहां क्यों फेंकी बॉल तूने? अबे यार जा तो तब पता चलेगा ना, जा जल्दी जा तू, संभाल के जा। रुक मैं भी आता हूँ। हाँ चल। मैं क्या देख रहा है, बोल दे। अबे क्या हुआ? अबे भागो यार। अबे पागल मेरे को तो उतारो। अरे आ जा तू, जल्दी आ जा। कौन है, कौन है वहां पर? वॉचमैन देखो कौन भाग रहा है, कौन भाग रहा है? नमिता जल्दी चेंज करो, नीचे जाके देखते। डोंट वरी, सेक्रेटरी को बुलाया, आते ही होगा। सी अरे यार कितना सीढ़ी चढ़वाएगा यार, सब आ गया ना, थोड़ी से बंद रूम में देखते। डोंट वरी मैडम, दरवाजा खोलो। कहाँ है तुम्हारा बेटा, बुलाओ तो सही, कहाँ है तुम्हारा बेटा? नमिता जी यही है क्या? यही है, खिड़की से झांक रहा था। मैं बस मेरी बॉल लेने गया था। अच्छा? और मैं कुछ। अरे इसने कोई वीडियो वगैरह तो नहीं बना लिया है? फोन चेक करो इसका। सेल फोन निकालो सेल फोन निकालना। दिखाओ। निकाल। शर्म नहीं आई? ये क्या है? देखो फोटो देखो। और मम्मा मुझे पता भी नहीं ये फोटो कब है। मैम ये फोटो मैंने नहीं खींचा, मेरी बात मानिए। अच्छा नहीं खींची तो कैसे आई तुम्हारे पास? वीडियो कहाँ है? मेरी बात मानिए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अच्छा वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाना। मैं माफी मांगती हूँ, गारंटी देती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे मैडम जिसका बाप दुबई में रहता है उसका बेटा ऐसे ही होगा। भाई साहब आप पर्सनल बताइए, मैंने किसी का वीडियो नहीं बनाया, मैं बस बोल रहा हूँ। पुलिस को बुलाऊंगी, आपके हाथ जोड़ते पुलिस के पास जाएंगे तो आपकी बेटी की भी तो बदनामी होगी ना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे से ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। Are you sure? Yes, I'm very sure. बेटा, मांगो माफी। मैम, I'm really sorry. मैंने किसी का कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं बस बॉल लेने गया था और कुछ नहीं। I don't care about your sorry. Do you get that? Next time, just behave yourself. ठीक है। चलिए मैडम, सोसाइटी का मीटिंग में देखूंगा तुम लोग कैसे करके रहते हो। सोसाइटी का लास्ट टाइम, आई एम वार्निंग यू,
आइंदा से इसने ऐसे किया ना तो छोड़ूंगी नहीं पुलिस में। छोड़ने की बात क्या है, छोड़िए, इन लोगों को सोसाइटी से निकालने का है, अपना सोसाइटी का मीटिंग में हम लोग डिसीजन लेंगे ना। चलो अभी क्या सोसाइटी, देखते हैं तुम लोग सोसाइटी में कैसे रहता है। चलिए 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 मैडम, चलिए चलिए चलिए। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस टू यू गाइस कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो प्लीज वहां से ना भागे, फेस द सिचुएशन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी, मार मिलेगी, व्हाट विल हैपन, पर एटलीस्ट आपको आपकी सफाई देने का मौका तो मिलेगा। लेकिन अगर आप भाग गए, देन सब लोग यही सोचेंगे कि यू आर गिल्टी। बेकार में टेंशन ले रहे हो, कॉलोनी में इस बात का पता स्कूल में किसी को नहीं चलेगा। सबको पता चल जाएगा, आधे बच्चे सेम स्कूल ही जाते हैं। कब तक नहीं आएगा स्कूल? कभी नहीं। प्रीति जी, तू रेडी है ना? तेरा डब्बा रखा है, जा स्कूल जा। यहाँ क्यों बैठी, क्लास में क्यों नहीं गई? अभिषेक कहाँ? सर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर आराम कर रहा है। तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बात है? सर वो कॉलोनी में जो बात हुई थी, सर आपको पता है? उसे बोलो कल डायरेक्टली आके वो मेरे ऑफिस में मुझे मिलेगा। ओके, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी एंड गो टू द क्लास नाउ। जी सर। यार घर में कुछ इशू हुआ था तो इसीलिए नहीं आया। मुझे पता है, बट मैं इन सब बातों में ना बिलीव नहीं करती, बिकॉज आई नो यू आर वेरी नाइस गाय एंड आई ट्रस्ट यू। थैंक्स यार। इनफैक्ट मेरे पास एक प्लान है, स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने चले। प्लान तो ऑन है, मैं अभी एडमिन ऑफिस होके आता हूँ, उसके बाद तेरे को बायो क्लास में मिलता हूँ। बट जल्दी आना। Come in, come in. Have a seat.
कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ। चाय लोगे? नहीं सर। Come on, have some water. नहीं थैंक यू सर। क्या हुआ था उस दिन? Come on. Tell me the truth. Tell me the whole story. सर हम दोस्त लोग शाम को बॉल से खेल रहे थे और किसी ने बॉल थ्रो करी तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके अटक गई। मैं बॉल को लेने के लिए चढ़ा और वहाँ पे कुछ दिख रहा था, मैंने देखने की कोशिश की तो सर उन्हें लगा कि मैं उनका MMS बना रहा हूँ। सर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था सर, बस मैं बॉल लेने गया था सर। देखो गलती तो तुमसे हुई है, तुम्हें उनके घर पे जाके डोरबेल बजा के परमिशन लेकर फिर बॉल लेनी चाहिए थी, दीवार पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? सर मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है सर, मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ थे और आज वो मुझसे बात नहीं कर रहे सर। कॉलोनी में सब मुझे गंदी नजर से देखते हैं और मेरी फैमिली भी। तुमसे गलती हुई इस बात का तुम्हें एहसास भी है और पछतावा भी, बट हाइडिंग इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जितना इस सोसाइटी से तुम डरोगे उतना ये तुम्हें डराएगी। बॉर्डर पर जब गोलियां चलती हैं तो जवान सीना तान के खड़े रहते हैं, छुपते नहीं, और तुम इतने में घबरा गए? सर मैं डर नहीं रहा था। देखो जो गलतफहमी सोसाइटी में हुई है उसका असर स्कूल में नहीं पड़ेगा, इज दैट क्लियर? सो डोंट वरी, आई वॉन्ट यू टू बी इन द स्कूल रेगुलरली, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। ओके आप लोग ध्यान दो, आज हम शुरू करेंगे औरत के प्रजनन अंग के बारे में। औरत के प्रजनन अंग दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, बाहरी अंग और आंतरिक अंग। मैं कमिंग सर। अभिषेक कहाँ थे तुम अब तक? सॉरी सर मैं एडमिन ऑफिस गया हुआ था। ठीक है बैठिए आइए। हाँ तो प्रजनन अंग क्रिया के पश्चात पुरुषों के शुक्राणु औरत के अंडाणु के प्रजनन क्रिया के पश्चात। अभिषेक तुम्हें औरत के प्रजनन अंग के बारे में जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, हैं? क्योंकि तुमने तो पहले से ही इसमें PhD कर रखी है। गेट आउट ऑफ द क्लास, तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करना चाहिए, तुम्हें मुर्गा बना के कॉरिडोर पे खड़ा कर देना चाहिए ताकि हर आने वाला तुम्हें पत्थर मारे। चल जाओ यहां से। Yo.